भारतीय क्रिकेट लीग में करप्शन पर बीसीसीआई ने सख्त कार्रवाई का इंदिया तो दे दिया है, लेकिन इस मामले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पुरेसरार खामोशी ताहल बरकरार है। भारत में स्पॉट फिक्सिंग के ताजा शवाहद सामने आने पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज का कहना है कि भारत हमेशा ही जुए का गढ़ रहा है। इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने 3 साल पहले इसने वादा बयान दिया कि आईपीएल इज अ गैम्बलिंग डेन और ये जुए का गढ़ है, लेकिन उस वक्त भी आईसीसी या इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कोई ध्यान नहीं दिया और ललन मोदी का आपको सामने ही है। भारत में तहलका मचाने वाली स्पॉट फिक्सिंग खबरों के हवाले से साबिक चेयरमैन पीसीबी तौकीर जिया कहते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पाबंदी की मिसाल कायम करने वाली आईसीसी से उम्मीद है कि वो भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेगी। देखना ये है कि क्या आईसीसी को जब ये तमाम चीजें हालात नजर आ रहे हैं तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को तो उन्होंने एग्जाम्पल्स बनाया था, अब देखते हैं इनको कितनी एग्जाम्पल्स बनाते हैं उनकी एंटी करप्शन यूनिट और आईसीसी। अब पाकिस्तानी शायकी ने क्रिकेट की भी सुन लीजिए, जो हुक्काम में बाला तक अपनी आवाज पहुंचाते नजर आए। आईपीएल में इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं ना, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स पे एक्शन लिया गया है, उनके खिलाफ भी इसी तरह से सेम टू सेम एक्शन होना चाहिए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अगर इस तरह का कुछ होता है तो इनको तो फौरन सजा मिलती है, आप देखते हैं। बट अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड लाइक अगर वहाँ पे कुछ ऐसा सीन होता है तो वहाँ पे तो उन लोगों को कुछ भी नहीं किया जाता। क्रिकेट की आलमी काउंसिल आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले पर एक्शन लेगी या नहीं, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इस मामले पर जरूर कोई एक्शन लेना पड़ेगा ताकि वो अपनी साख बचा सके।